नमस्कार, मैं अभिषेक बिहारी न्यूज से, और आज हम बात करने जा रहे हैं उन कलाकारों की जो बॉलीवुड में बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, पर हमने चुनिंदा कलाकारों को पॉपुलैरिटी के बिना पे ये लिस्ट तैयार की है। पहले हैं अखिलेंद्र मिश्रा। 90 के दशक में क्रूर सिंह और सरफरोश के मिर्ची सेठ अखिलेंद्र मिश्रा के चर्चे पूरे बॉलीवुड में हैं। उनकी पहली फिल्म थी बेदर्दी, जो 1983 में आई थी। मिश्रा का जन्म बिहार के सिवान जिले में हुआ था, और रावण की उस हंसी को कौन भूल सकता है जिसने अखिलेंद्र जी को एक पहचान दिलाई थी। दूसरी है नेहा शर्मा। इस अभिनेत्री की सबसे खास बात यह है कि इनके करियर की शुरुआत एक तेलुगु मूवी से हुई थी, जिसका नाम है चिरुथा। उसके बाद क्रूक, तेरी मेरी कहानी जैसी फिल्मों में इन्होंने कार्य किया। इनकी यंगिस्तान, जिसका गीत सुनो ना संगमरमर सुपरहिट था, इनकी जन्मभूमि भागलपुर है। अगला जो नाम है उसकी कहानी थोड़ी अलग है और खास है। पटना में जन्म, दिल्ली के दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग शुरू करने के बाद, डांस क्लासेस जाने के बाद, बैरी जॉन्स से एक्टिंग सीखने के बाद इन्हें ख्याल आया बॉलीवुड का। सुशांत सिंह राजपूत, पवित्र रिश्ता में मराठी किरदार निभाने के बाद इन्होंने काई पोछे और महेंद्र सिंह धोनी जैसी फिल्में की। चौथे हैं संजय मिश्रा। दरभंगा में इनका जन्म हुआ। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से थिएटर करने के बाद 1985 में इनकी पहली फिल्म आई, ओ डार्लिंग ये है इंडिया। ESPN ने 1999 वर्ल्ड कप में एप्पल सिंह के किरदार को संजय मिश्रा को ही चुना। आंखों देखी के लिए संजय फिल्म फेयर अवार्ड जीते एंड अपने किरदारों के लिए सबके दिलों पर राज करने लगे। अगले हैं शत्रुघ्न सिन्हा। प्रेम पुजारी से अपना करियर की शुरुआत करने वाले शत्रुघ्न का जन्म पटना में हुआ था। वो चार भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न, उनमें सबसे छोटे। फिर वो FTII पुणे से फिल्म के बारे में पढ़कर बॉम्बे चले गए। उनकी पहली पिक्चर प्रेम पुजारी थी, जिसमें उन्होंने पुलिस ऑफिसर का रोल किया। बहुत सारे सुपर हिट्स देने के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स की तरफ अपना रुख कर लिया। अब एक खामोश जैसे डायलॉग में दर्शकों के दिल को छू लिया। इनकी जीवनी एनीथिंग बट खामोश 2016 में रिलीज हुई थी। अगली हैं नीतू चंद्रा। आरा की नीतू चंद्रा थिएटर, फिल्म्स, स्पोर्ट्स सब में एक चमकते सितारे की तरह मौजूद हैं। उनके पास टैक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है, और उनकी पहली मूवी गरम मसाला थी। नीतू देश में बास्केटबॉल को प्रमोट करती हैं और खुद भी अनेक खेलों में महारथी हैं। अगले हैं पंकज त्रिपाठी। रन और ओमकारा जैसी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत करने वाले पंकज को अपने नेचुरल एक्टिंग के लिए जाना जाता है। उसके बाद गैंग्स ऑफ वासेपुर ने उनके काम को पहचान दिलाई। उसके बाद से पंकज त्रिपाठी जी ने कभी मुड़कर नहीं देखा। फुकरे, मसान, स्त्री जैसे हिट और सुंदर कृत्य विश्व को देने के बाद न्यूटन के लिए उन्होंने कई अवार्ड जीते। बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले त्रिपाठी मिर्जापुर के पहले सीजन के लिए भी बहुचर्चित रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा, आपने वो कहानी सुनी होगी जहां एक किरदार होता है जिसे कभी एक्टर नहीं बनना था, पर किस्मत उन्हें ले आई इसी रास्ते पे। पटना में जन्म लेकर बॉम्बे से फैशन डिजाइन करने के बाद सोनाक्षी की पहली मूवी दबंग थी, जिसके लिए उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। इस मूवी के लिए उन्होंने 30 किलोग्राम वजन कम किया था। वो आज के समय की सबसे ज्यादा कमाने वाले कलाकारों की लिस्ट में भी मौजूद हैं। अगले हैं मनोज वाजपेयी। नरकटियागंज जिले के छोटे से गांव बेलवा में जन्म हुआ था इनका। कला को अपना जीवन समर्पित करने के लिए इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1 मिनट स्क्रीन टाइम वाले रोल से ध्रुव काल में की थी। पिंजर, राजनीति जैसी मूवीज के लिए इनको जाना जाता है। सरदार खान को कौन भूल सकता है, गैंग्स ऑफ वासेपुर का वो किरदार जिसने इस मूवी को बदल के रख दिया। तो ये थे वो कुछ किरदार कलाकार जो बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं बड़े पर्दे पर। हमें उम्मीद है ये अपने कार्य और आगे ले जाएंगे और बिहार का नाम रोशन करते रहेंगे, और उम्मीद है कि इनसे इंस्पायर होकर और भी नए कलाकारों का जन्म होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।